हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, जो आप देख सकते हैं जीटीयू का सर्कुलर। ये कुछ देर पहले ही जीटीयू का अपडेट हुआ है जीटीयू के साइट पे, तो क्या है वो देख लेते हैं। गाइडलाइंस एंड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ऑनलाइन MCQ विंटर 2020 एग्जामिनेशन। सो जो आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू होने वाली है उसके लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो मैंने बोला था आपको कि मैं इसको वीडियो बना के आपको बताऊंगा, तो ऐसे ही अपडेट अगर आपको जल्द से जल्द मिलना हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहे। ऑनलाइन MCQ एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर रिमेनिंग ऑल द एग्ज़ाम्स ऑफ विंटर 2020। सो विंटर 2020 के जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं वो अभी ऑनलाइन मोड में लेने का डिसाइड किया है GTU ने। जैसा कि आपको पता ही होगा, स्टूडेंट कैन अपीयर फ्रॉम ऑनलाइन MCQ एग्जामिनेशन थ्रू डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल एंड टैबलेट। सो आपको डिवाइस भी कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल एंड टैबलेट, कोई भी। फिर यहाँ पे इन्होंने विंडोज़ कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप PC या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो स्टूडेंट कैन अपीयर इन ऑनलाइन MCQ टाइप एग्जामिनेशन थ्रू लैपटॉप एंड डेस्कटॉप हैविंग ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 एंड अबव। विंडोज 7 या उससे अबव कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो आप उससे एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जिसमें कि एंड्रॉयड 6 या उससे अबव हो। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो है एंड्रॉयड 6 या उससे ऊपर का आप यूज़ कर सकते हैं। वेबकैम इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट, आपको पता ही होगा कि वेबकैम की ज़रूरत होगी इसमें, और फ्रंट कैमरा की यूज़ होगी अगर आप लैपटॉप या मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो वेबकैम, और मोबाइल यूज़ कर रहे हो या टैबलेट यूज़ कर रहे हो तो फ्रंट कैमरा इज़ एसेंशियल। स्टूडेंट्स विल बी फर्स्ट रिक्वायर्ड टू अपियर इन प्री चेक ट्रायल टेस्ट। सक्सेसफुल प्री चेक ट्रायल टेस्ट इज़ मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स टू रजिस्टर इन ऑनलाइन MCQ टाइप एग्जामिनेशन। तो ऑनलाइन MCQ टाइप एग्जामिनेशन में आपको शामिल होने के लिए क्या करना है, प्री चेक ट्रायल टेस्ट जो है आपको जरूरी है पास करना। यूज़र ID फॉर प्री चेक ट्रायल टेस्ट एंड फाइनल एग्जामिनेशन विल बी स्टूडेंट्स एनरोलमेंट नंबर। पासवर्ड रिक्वायर्ड टू अपीयर इन प्री चेक ट्रायल टेस्ट एंड फाइनल एग्जामिनेशन विल बी डिस्प्लेड ऑन स्टूडेंट पोर्टल ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सक्सेसफुली पेड एग्जाम फीस। तो क्या करना है, इससे सबसे पहले आपको जो है क्या करना है कि एग्ज़ाम फीस भरना है, और एग्ज़ाम फीस भरने के बाद आपको दिखाया जाएगा स्टूडेंट पोर्टल पे कि आपको यूज़र ID क्या डालना है, और यूज़र ID तो आपका लगभग वो एनरोलमेंट नंबर ही रहता है, तो भी वो दिखाएंगे कि यूज़र ID में और पासवर्ड में आपको क्या डालना है, उस हिसाब से आपको लॉगिन करने को मिलेगा प्री चेक ट्रायल टेस्ट में, और प्री चेक ट्रायल टेस्ट में आप पास होंगे तो ही आपको आगे एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू रीड द पासवर्ड केयरफुली एंड यूज़ द सब्जेक्ट वाइज एंड डेट वाइज पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर एज मेंशन इन द स्टूडेंट पोर्टल। तो आपको जो है सब्जेक्ट वाइज, हाँ ये एक पहले भी प्रॉब्लम हुआ था कि जो स्टूडेंट पोर्टल पे जो है सारे सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग पासवर्ड गिवन है, तो वो आपको मतलब गिवन होंगे तो वही आपको यूज़ करना है, सेम पासवर्ड आपको नहीं यूज़ करना है या अपने से जो है कोई पासवर्ड नहीं डालना है, जो वहाँ पे दिया जाएगा वही सब आपको पासवर्ड में डालना होगा, और सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पासवर्ड ही दिया जाएगा आपको। ऑफलाइन MCQ एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ओनली फॉर स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू। अच्छा, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम मतलब ये ऑनलाइन एग्ज़ाम सबके लिए मैंडेटरी है, और अगर कोई कारण सर आप अगर नहीं दे पाए तो ही आप ऑफलाइन दे पाएंगे। सो इसके लिए अब इंटरनेट स्पीड बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यू 512 KBPS इंटरनेट स्पीड इज़ रिक्वायर्ड। स्टूडेंट कैन अपीयर इन ऑनलाइन MCQ टाइप एग्जामिनेशन फ्रॉम देयर कन्वीनियंट प्लेस और फ्रॉम हीज और हर ओन इंस्टीट्यूट। सो आप कहीं पे भी कहीं से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं जहाँ पे आप कन्वीनियंट है, और आप अपने इंस्टीट्यूट पे जाके भी दे सकते हैं। अगर आपको इतना इंटरनेट स्पीड आपका नहीं आ रहा है मोबाइल डेटा से तो आप जो है अपने इंस्टीट्यूट पे जाके भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनी माल प्रैक्टिसेस, मतलब कोई भी चीटिंग या वो सब से आपको बचना है, कुछ भी आपको कैमरे में इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं देखनी चाहिए, वरना वो लोग जो है सुपरविज़न जो कर रहे हैं वो लोग आपको एग्ज़ाम से मतलब
डिटेन भी कर सकते हैं फॉर दैट सब्जेक्ट। यू विल बी मॉनिटर थ्रू आउट द एग्ज़ाम, पूरे एग्ज़ाम के दौरान आपका कैमरा चालू रहेगा और वो लोग GTU से सुपरविज़न आपका करते रहेंगे। एनी अटेम्प्ट टू इम्पर्सनेट कॉपी आंसर्स फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स और टू इंडल्ज इन एनी अदर माल प्रैक्टिस अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द एग्ज़ाम वुड नॉट ओनली लीड टू इमीडिएट और लेटर रिवोकेशन ऑफ मार्क्स अचीव्ड बट मे ऑल्सो लीड टू इम्पोज पेनल्टी एज पर GTU नॉर्म्स। तो GTU नॉर्म्स के हिसाब से वो लोग अनफेयर मीन्स के अकॉर्डिंग आपके खिलाफ मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको वो सब्जेक्ट में डिटेन किया जाए या तो फिर आपसे अच्छा खासा वो लोग पेनल्टी भी ले सकते हैं अगर आप कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज़ में पकड़ा जाते हैं तो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। यू आर नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट विद एनीवन अबाउट द कंटेंट ऑफ द एग्जामिनेशन अपीयरिंग फॉर द सेम। कम्युनिकेटिंग अबाउट एग्जाम कंटेंट इन एनी फॉर्म बाई एनी मीन्स टू एनी पर्सन और एंटिटी एट एनी टाइम इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड एंड मे लीड टू प्रोसिक्यूशन। ओके, सो जो मतलब आपके आसपास कैमरा में कोई दिखना नहीं चाहिए या तो फिर वो चाहे स्टूडेंट हो या कोई और हो जो सेम एग्ज़ाम दे रहा हो, वैसे भी कोई नहीं होनी चाहिए आपके आसपास। डू नॉट टेम्पर द एग्जामिनेशन एप्लीकेशन, एग्ज़ाम एप्लीकेशन को आपको कोई भी वक्त क्लोज नहीं करना है। एंश्योर यू डू नॉट टर्न ऑफ योर डिवाइस वाइल गिविंग एग्ज़ाम, आपको एग्ज़ाम देते वक्त जो है अपने डिवाइस को टर्न ऑफ नहीं करना है। अवॉइड पुटिंग योर हैंड ऑन फेस, आपको आपके मुँह पे हाथ नहीं रखना है। ड्यूरिंग एग्ज़ाम डू नॉट ट्राई टू मूव आउट ऑफ द एग्ज़ाम बाई प्रेसिंग नॉन रिलेवेंट कीज़ बैक और होम बटन। बैक या होम बटन आपको नहीं दबाना है एग्ज़ाम देते वक्त, ये आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि अगर एप्लीकेशन क्लोज हो जाए तो आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, वो सब इश्यूज़ रहते हैं और उससे आप चीटिंग कर रहे हैं ऐसा वो लोग समझ सकते हैं। एनश्योर नो सेकेंड पर्सन इज़ प्रेजेंट नियर और क्लोज टू अराउंड ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम, तो आपके उस रूम में ही मैं तो कहूँगा कि कोई भी नहीं रहना चाहिए आसपास। डिवाइस एग्जामिनेशन स्क्रीन एंड योर कैमरा इमेज मस्ट बी सेम ओरिएंटेशन एट ऑल टाइम्स। सो डिवाइस की एग्जामिनेशन स्क्रीन अगर आप हॉरिजॉन्टल रख रहे हैं या वर्टिकल रख रहे हैं, जैसे भी रख रहे हैं, ये आपके कैमरा का इमेज थ्रू आउट द एग्जामिनेशन सेम ही रहना चाहिए। Ensure that your handheld device camera is not blocked by your finger or palm inadvertently. तो आपको ensure ये रखना है कि आपके front camera के सामने आपका हाथ या finger से आप उसे ना ढके। Make sure that the camera frame should be able to capture your full face and both ears throughout the exam. तो आपका face आपको एकदम center पे बैठना है, आपका दोनों ईयर और जो है फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए। योर फेस शुड नॉट गेट एम्पल लाइट फ्रॉम द फ्रंट, मतलब आपको प्रॉपर लाइटिंग में बैठना है और अगर उतना सनलाइट या नहीं आ रहा हो तो आपको आपका जो लाइट है रूम का वो ऑन रखना है ताकि आपका क्लियरली फेस विजिबल रह सके। एक्सेप्ट द डिवाइस थ्रू विच द स्टूडेंट इज अपेयरिंग इन द एग्जाम, नो अदर डिवाइस लाइक सेलफोन इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट ब्लूटूथ और USB डिजिटल आइटम्स एट्सेट्रा आर अलाउड। सो ईयरफोन ऐसा सब भी कुछ डिवाइस आपके पास नहीं होना चाहिए जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही डिवाइस जिससे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वही सिर्फ होना चाहिए। यू मस्ट इंस्टॉल द लेटेस्ट वर्जन ऑफ क्रोम ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर का लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करना है आपको। वेबकैम और फ्रंट फेसिंग कैमरा शुड बी वर्किंग कंडीशन, वेब कैमरा या फ्रंट कैमरा जो है वो आपका वर्किंग होना चाहिए। डू नॉट वियर मास्क इफ़ यू आर अपियरिंग फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट, यू शुड कीप 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम अदर पर्सन, अगर आप इंस्टीट्यूट में से दे रहे हैं तो आपको कोई भी पर्सन आपके 2 मीटर्स के आसपास नहीं होना चाहिए और सोशल डिस्टेंस आपको रखनी है। वंस यू आर लॉग इन इन द एग्ज़ाम, फर्स्ट ऑफ ऑल योर फोटो एंड फोटो आईडी विल बी कैप्चर्ड, तो आपको फोटो और फोटो आईडी लेके ही बैठना है, सबसे पहले कैप्चर किया जाएगा। देन नेक्स्ट इज एनश्योर टू हैव कंसिस्टेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड इनफ पावर सप्लाई बैकअप, तो आपके फ़ोन कनेक्टिविटी एकदम अच्छी होनी चाहिए और क्या है आपका जो है कैमरा, सॉरी क्या बोला है यहाँ पे, डू नॉट नो सॉरी के इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए और पावर सप्लाई का फुल बैकअप होना चाहिए, 100% आपका चार्ज होना चाहिए।
जो हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे बोल्ड किया गया है कि डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑनलाइन एग्जाम एप्लीकेशन और EXE फाइल फ्रॉम योर स्टूडेंट पोर्टल लॉग इन, एंश्योर टू डाउनलोड ओनली अ सिंगल फाइल। मतलब आप दो बार मत डाउनलोड कीजिएगा, एक ही बार डाउनलोड करना है और उसी को आपको रन करना है। ये पिछली बार प्रॉब्लम आया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने जो है दो बार डाउनलोड कर लिया था, फिर दूसरी बार जो डाउनलोड किया है उसका क्या होता है कि नेम चेंज हो जाता है, तो वो डाउनलोड नहीं हो पाता, प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हो पाता। सो आपको एक ही बार डाउनलोड करना है, ये एक मेन पॉइंट है। सो डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए कि ओपन, पहले आपको फाइल डाउनलोड करना है, फिर उसको डाउन फाइल क्या कि यू माइट, अच्छा पहले जिप फाइल डाउनलोड होगा उसको अनजिप करना है, फिर ओपन द डाउनलोड फाइल, एग्जाम स्क्रीन विल ओपन, एनरोलमेंट नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको डालना है, फिर सबमिट पे क्लिक करना है, फिर एंटर यूजर नेम पासवर्ड एंड कैप्चा, देन प्रेस लॉगिन बटन, फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑन द स्क्रीन। और मोबाइल टैबलेट के लिए ऐप इंस्टॉलेशन का आपको परमिशन मांगेगा, उस पर आपको यस कर देना है, फिर टर्न ऑफ नोटिफिकेशन, सारे नोटिफिकेशन आपको ऑफ कर देने हैं ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ आपका नोटिफिकेशन ना आए, देन ओपन एप्लीकेशन, एग्जाम स्क्रीन वुड ओपन, देन प्रेस द सबमिट बटन, एनरोलमेंट नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, फिर यूज़र ID, पासवर्ड और कैप्चा करके आपको लॉग इन कर देना है, देन फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन द स्क्रीन। मल्टीपल स्टूडेंट कांट लॉग इन ऑन सेम डिवाइस, मतलब एक ही डिवाइस पे आपको एक से ज़्यादा स्टूडेंट अलाउ नहीं है, एक एक जन को एक ही डिवाइस यूज़ करना है। डिवाइस शुड बी प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट एंड स्टर्डी सरफेस, मतलब कोई रफ सरफेस नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा खड़ा रहना चाहिए मोबाइल। एनश्योर द डिवाइस शुड नॉट बी मूव्ड फ्रॉम द फिक्स्ड पोजिशन। एनश्योर यू आर हैविंग क्वाइट सराउंडिंग, मतलब आवाज़ नहीं आना चाहिए अगर इंस्ट्रक्शन जो भी दे रहे हैं, या अगर आपको माइक ओपन करके बोलने को कहा जाए तो आप प्रॉपरली ऑडिबल होने चाहिए। एग्जाम्स रन्स ऑन ऑटो सेव मोड, हाँ तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑटो सेव मोड पे जो है एग्ज़ाम चलेगा, मतलब जैसे ही आपने कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट किया तो वो जो है उनके डेटाबेस में सेव होता रहेगा, मतलब जितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उतने क्वेश्चन आपके वहीं के वहीं सेव होते रहेंगे। एनी एक्टिविटी आउटसाइड द लाइव एग्जाम स्क्रीन वुड रिजल्ट इन लॉग आउट, मतलब अगर आप स्क्रीन चेंज करें या टैब चेंज करें तो जो है लॉग आउट हो जाएगा। वंस द एग्जाम हैज़ बीन फाइनली सबमिटेड द लॉग इन विल नॉट बी अलाउड, अगर आप सबमिट पे क्लिक कर देते तो फिर से लॉग इन नहीं हो पाएगा। फिर आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन सेशन टाइम ऑल्सो लॉग इन विल नॉट बी परमिटेड, और जो टाइम ख़त्म अगर हो गया है तो भी आपका नहीं हो पाएगा। देन नेक्स्ट है प्री चेक ट्रायल टेस्ट, प्री चेक ट्रायल टेस्ट एंड फाइनल ऑनलाइन MCQ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंक्लूजन है कि क्लॉक जो है वो सर्वर टाइम पे सेट रहेगा, कोई उस पर नहीं कह सकता कि अभी भी 4 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है, वो सर्वर के अकॉर्डिंग जिस टाइम पे चालू होगा उसी टाइम पे चालू होगा और जिस टाइम पे क्लोज होना होगा उसी टाइम पे बंद भी हो जाएगा। क्लिक एनी वन ऑफ द गिवन आंसर ऑप्शन बटन टू सिलेक्ट योर आंसर, तो आपको क्लिक एनी वन ऑफ द गिवन आंसर, अच्छा तो आपको 2-3 आंसर आप नहीं सिलेक्ट कर सकते, एक ही सिलेक्ट करना है और फिर आपको आगे बढ़ना है। देन कोई भी आंसर आपको चेंज करना है तो जो आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन पे आपको जाके टिक कर देना है। देन नेक्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन सेव रिस्पॉन्स, क्लियर रिस्पॉन्स, अगर आपको रिस्पॉन्स क्लियर करना है तो क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक कीजिए, फिर क्लियर हो जाएगा तो आप दूसरा आंसर सिलेक्ट कर पाएंगे। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट, अगर आपको वही क्वेश्चन रखना है तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, फिर सेव एंड रिव्यू, अगर आपको वो बाद में आके डाउट है आपको उस ऑप्शन में तो आप सेव एंड रिव्यू कर सकते हैं। देन सेव एंड नेक्स्ट बटन, दिस विल इनेबल टू रिव्यू अ क्वेश्चन ऑन अ लेटर स्टेज। सेव रिव्यू एंड नेक्स्ट में आप क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, आप रिव्यू कर पाएंगे उसे बाद में। देन मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सेव एंड नेक्स्ट बटन एवरी टाइम यू वॉन्ट टू सेव एन आंसर, तो अगर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तभी जाके जो है वो आंसर सेव करता रहेगा, इसलिए आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है हर बार। इफ़ यू डिज़ायर टू मूव टू एनी क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन, यू कैन क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर पैलेट ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। राइट साइड पे आपको दिखेगा कि कौन सा क्वेश्चन नंबर, सारे दिखेंगे वहाँ पे, आपको जो भी क्वेश्चन में जाना है आप जा सकते हैं।
ऑल आंसर्ड क्वेश्चन विच हैव बीन सेव्ड विल बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग स्टूडेंट्स फाइनल स्कोर। तो जो आपने आंसर किए होंगे वही फाइनल आपके मार्क्स काउंटिंग में जो है गिने जाएंगे। डो नॉट क्लिक ऑन द सबमिट एग्ज़ाम बटन अनलेस यू हैव कम्प्लीटेड द एग्ज़ाम। सो कम्प्लीट होने से पहले आपको सबमिट बटन पे क्लिक नहीं करना है। आपको कहीं पे भी गलती से भी होम बटन, सेंटर बटन एंड्रॉयड में नहीं दबाना है, या तो फिर विंडोज़ में अल्टर F4 नहीं दबाना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका विंडोज़ क्लोज हो जाएगा और फिर आप वहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे, इसलिए वो आपको क्लिक नहीं करना है। देन स्टूडेंट विल बी एबल टू लॉग इन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम सेशन। तो एग्ज़ाम टाइम सेशन के अकॉर्डिंगली आप कभी भी लॉग इन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपका इंटरनेट ड्रॉप हो जाता है तो भी आप जो है उसे लॉग इन बाद में कर पाएंगे। देन नेक्स्ट इज स्टूडेंट आर इन्फॉर्म टू लॉग इन बिफोर 45 मिनट्स। सो कुछ टेक्निकल ग्लिचिस आए या कुछ आए, इसलिए क्या किया इन्होंने कि 45 मिनट्स पहले जो है आप लोग लॉग इन कर पाएंगे स्टूडेंट्स। फिर है एग्ज़ाम विल बी ऑटो सबमिटेड वंस द एग्ज़ाम टाइम गेट्स ओवर। तो एग्ज़ाम टाइम अगर ख़त्म हो गया और आपने सबमिट करना रह गया तो भी आपको कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो जो है ऑटो सबमिट करता रहता है। जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए उतने हो जाएंगे। स्टूडेंट्स आर अलाउड टू सबमिट द एग्ज़ाम ओनली बिफोर 10 मिनट्स ऑफ द एंड ऑफ एग्ज़ाम टाइम। सो एग्ज़ाम ख़त्म होने के आप 10 मिनट पहले ही मतलब स्क्रीन छोड़ सकते हैं, या तो फिर सबमिट कर सकते हैं, उससे पहले आप नहीं कर सकते। ओके सो ये गाइडलाइंस थे। बहुत आई नो के वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको जानने ज़रूरी थे, इसलिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि सारे फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो है स्टूडेंट वो काफ़ी टेंशन में हैं और सोच रहे हैं कि ये एग्ज़ाम कैसे देना है। तो ये गाइडलाइन उन्हें जो है पढ़ने से जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आएगी, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दूं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और ऐसे ही अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज़।